जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 2023 एंड और 2024 जनवरी तक मंदिर बनके पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। 24 जनवरी तक मंदिर पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थरों से किया जा रहा है। मंदिर के निर्माण से पहले इन पत्थरों पर आकर्षित नक्काशी की जा रही है। नक्काशी में बनाए जाने वाले डिजाइन नागर शैली पर आधारित है। मंदिर के खंभे और दीवारों पर चक्र, शंख, गदा, पुष्प के साथ धनुष, त्रिशूल के साथ देवी देवताओं के मूर्तियों को भी नक्काशी में गढ़ा जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण से भरा हुआ होगा। राम के लिए राजस्थान में 3 और अयोध्या में भी कई कार्यशाला चलाई जा रही है। इन पत्थरों के लगने के बाद मंदिर की खूबसूरती में मानो जैसे 4 चांद लग जाएंगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और मन को लुभाएगी। मंदिर के इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लाखों करोड़ों भक्त अगले वर्ष का इंतजार कर रहे हैं। जब ये विशाल भव्य मंदिर बनके तैयार होगा, तब इसे देखने के लिए भक्तों का जन सैलाब दूर दूर तक नजर आएगा, जो अयोध्या रामलला की नगरी राम मंदिर की शोभा बढ़ाएगा। कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। खाली हम उधर से इधर तक हमारा मोदी जी क्या क्या कर दिए वो अयोध्या भगवान राम के लिए वो देखने को आ रहे हैं। वो इधर आने के बाद हमको इतना हार्टफुल हो रहे हैं, हमको एक्सप्लेन करने को नहीं होता। मेरे को अच्छा हिंदी बोलने को नहीं आता तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत 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 आनंद हो गया है हम इधर आने के बाद में, और इतना मेहनत करके इतना हमारा भगवान राम जी का वो पूर्ति डिमोलिशन हो गया था, वो अभी पूरा पहले से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ना, उसके लिए हमको बहुत बहुत खुश हो गया। कैसा लगा यहाँ पत्थर को देखा? यही पत्थर से मंदिर बना? देखने तो हमको एक शरीर में एक तरफ रोमांचन हो रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के लिए राजस्थान के आकर्षण नक्काशीदार पत्थरों की लेयर लगाई जा चुकी है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राजस्थान डूंगरपुर जिला खापोड़ा। ये जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे पत्थर लगेगा? ये खम्भे के ऊपर, मंदिर के खम्भे के ऊपर लगेगा। तो किस तरीके से आप लोग राजस्थान से कितने कारीगर आए हो, काम कर रहे हो? हम तो पहले भी हमारे गांव में आजू बाजू गुजरात में आएंगे, बम्बे हम्बे बहुत काम करते हैं। ये राम जन्मभूमि को काम चल रहा है, ये कारशाला है राम जन्मभूमि का, यहाँ पे काम होता है। ये पत्थर रखा हुआ है, ये पिलर के नीचे लगेगा, इसमें गोल सुराख होगा, उसके बाद में एक ऊपर पिलर लगेगा। अच्छा, इस समय फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, कितने कारीगर लगे हुए हैं? कुछ कारीगर नए आए हैं? कम से कम 50 कारीगर यहाँ पे हैं। और बाकी? और 25-26 महिलाएँ हैं, और राम सेवकपुरम में भी काम चल रहा है। तो काम में कितनी प्रगति है? काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये कब तक आप लोग को पूरा करके पिलर के नीचे जो ये इसको क्या बोलते हैं? ये पत्थर के नीचे पिलर के नीचे रखा जाएगा। कब तक देना आप लोग को तैयार करके इसको? ये जैसे जैसे फिनिश हो रहा है वैसे टाली पलट के चला जा रहा है, वहाँ लग रहा है। जितना जल्दी फिनिश हो जाएगा उतना जल्दी यहाँ चला जाएगा। कितने जा चुके हैं अभी तक? अभी काफ़ी गए पत्थर, पूरा उधर का खाली हो गया, उधर भी खाली हो गया, कुछ यहाँ पे नहीं काम हो रहा पाया। तो राम सेवकपुरम में भी पत्थर भेजा गया, वहाँ से भी होकर जा रहा है। कुछ कारीगर नए बुलाए गए हैं राजस्थान से? कितने कारीगर होंगे तकरीबन? ये 40-50 कारीगर कम से कम है यहाँ पे, केवल यहाँ पे। कुल मिला करके टोटल कितने हो सकते हैं कारीगर जो काम में यहाँ और राम सेवकपुरम में सब मिला के चल रहा है? 100-150 से कम नहीं होंगे।